पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर सेना को उनकी पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश तबाही की ओर बढ़ रहा है और उसे विघटन का सामना करना पड़ सकता है। खान ने अपने जमा पार्क स्थित आवास से वीडियो संदेश में कहा कि राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का एकमात्र तरीका चुनाव है। पीटीआई के अध्यक्ष खान ने कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेताओं और यहां से भागकर लंदन चले गए नवाज शरीफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि देश के संविधान की बेअदबी हो रही है, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है या पाकिस्तानी सेना बदनाम हो रही है। वो लूटी गई संपदा को बचाने के लिए अपने निहित स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने इमरान खान के घर को घेर रखा है, इस बीच उन्होंने कहा, मुझे डरावना सपना दिखाई दे रहा है कि देश तबाही की ओर बढ़ रहा है। मेरी सत्ता से अपील है कि चुनाव कराएं और देश बचाएं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से 9 मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि ये पूरी तरह सत्तारूढ़ गठबंधन और पंजाब सरकार के इशारे पर रची गई साजिश है। डॉन अखबार ने पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा कि वक्त आ गया है, सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, अन्यथा देश के सामने पूर्वी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।